किसी ने सच ही कहा है कि राजनीति में न कोई अपना होता है न कोई पराया। एक समय जो मुलायम सिंह यादव मायावती के जाने दुश्मन हुआ करते थे और जिस समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी की उपाधि मायावती ने दी थी, आज वही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बुआजी के जिगर के टुकड़े बन गए हैं। ये तो रही बात दुश्मनी से दोस्ती की, आइए अब चाचा शिवपाल के दर्द को समझते हैं। अखिलेश यादव और मायावती ने यूपी में जैसे ही 38-38 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, चाचा शिवपाल बिफर गए। पहले तो भतीजे अखिलेश पर ही भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगा दिया और बाकी जो गुस्सा था वो मायावती पर उलट दिया। देखिए, लेकिन इस संगठन का कोई मतलब नहीं है, कहाँ चले जाएं, कहाँ नहर रहें, और देखिए इनका कोई भरोसा भी नहीं है, ये कभी लड़ाई लड़े नहीं हैं, ये तो सत्ता के लिए, फिर सत्ता में आप देख ही रहे हो क्या काम करते हैं, बेईमानी, भ्रष्टाचार, और जो टिकट बेचता हो उन पर कैसे जनता भरोसा करेगी। इन पार्टियों पर जनता को विश्वास उठ चुका है। इतना ही नहीं, शिवपाल सिंह यादव ने मायावती पर लखनऊ गेस्ट हाउस कांड को लेकर भी हमला बोला है। 1995 में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि बहन जी ने मुझ पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, मैंने कहा था कि मैं जांच के लिए तैयार हूँ, मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ, मेरी शर्त यह है कि नार्को टेस्ट बहन जी का भी होना चाहिए और मेरा भी होना चाहिए। बता दी कि चंदौली के सकलडीहा में बुधवार को जनसभा को संबोधित करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने ये बात कही। एक मुझ पर आरोप लगाया था, नहीं बहन जी ने एक आरोप लगाया था। क्या आरोप लगा था? लड़कियों वाला। हमारी माताएं बहने बैठी हैं, उनके सामने उस बात को तो नहीं कहेंगे। मुझ पर लगाया था आरोप, यौन शोषण का आरोप लगाया था। किसी लड़की को शिकायत नहीं थी, किसी पूरे प्रदेश में किसी लड़की को शिकायत नहीं थी। बगावत हो गया, बगावत कर दी थी, लड़कियों ने बगावत कर दी थी। तब मैंने कहा था, उनसे जवाब दिया था, मैंने कहा आप तो सुसरी लिखती हैं, कुमारी लिखती हैं। विधानसभा के अंदर मैंने वो सवाल उठाया था, मैंने कहा था अध्यक्ष जी मैं जांच के लिए तैयार हूं, ये सुसरी लिखती हैं, कुमारी लिखती हैं, इन्होंने लड़कियों पर भी, ऐसी लड़कियां थी, पढ़ी लिखी लड़कियां थी, पुलिस में भर्ती हुई थी, लड़की को शिकायत नहीं थी, किसी को शिकायत नहीं थी, उन पर आरोप लगा दिया। जांच हुई, जांच में कुछ निकला नहीं। मैंने कहा था कि अध्यय जी हम जांच के लिए तैयार हैं, नार्को टेस्ट होता है, मेरी सच यह है कि नार्को टेस्ट बहन जी का भी होना चाहिए और मेरा भी होना चाहिए, क्यों तैयार नहीं हो? तैयार होना चाहिए था। दरअसल मायावती और अखिलेश यादव इस बार लोकसभा चुनाव में एक साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे और बीजेपी को हराएंगे। इस गठबंधन से कांग्रेस को भी झटका लग सकता है, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन की कोशिशों में जुटी है। बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले शिवपाल सिंह यादव ने सपा बसपा के गठबंधन पर हमला करते हुए रविवार को कहा कि सीबीआई के डर से ये गठजोड़ तैयार हुआ है। शिवपाल ने कहा कि वर्ष 1993 में जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ था, उस वक्त दोनों ही पार्टियों पर कोई आरोप नहीं था और न ही सीबीआई का कोई डर था। उन्होंने कहा कि आज तो सीबीआई का ही डर है, इस डर की वजह से गठबंधन हो रहा है, ये गठबंधन सफल नहीं होगा।